सोनभद्र जिले के ग्राम पंचायत सुंदरी के करीवा लेवा टोले में स्थित प्राथमिक स्कूल में पिछले 10 महीने से एक ही शिक्षक होने के कारण सुनील कुमार जैसे 148 बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आपके स्कूल में एक ही शिक्षक हैं, इससे आपको पढ़ाई में क्या दिक्कत होती है? जैसे मेरा एक ही है, कभी मीटिंग में चल जाती, कभी धूप बुखार चढ़ जाता है, तो हम लोग आके खाली बैठते हैं, हमको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। मैडम कहीं भी चल जाती हैं तो खाली बैठ जाते हैं, खाकर घर जाते हैं। एक मास्टर है और जस्ती बच्चे हैं, कम से कम 2-3 मास्टर रहते हैं तो पढ़ाई होती, और मैडम जी चले जाते हैं किसी कहीं काम में, मीटिंग उठिंग में, तो पढ़ाई बंद रहता है। आप क्या चाहते हैं? जैसे अध्यापक 4-5 और आ जाते तो हम लोग को पढ़ाई ठीक ठाक चलती है, और अध्यापक रहते हैं तो पढ़ाई अच्छी होती है, अध्यापक बढ़ने के लिए। आप यहाँ किस पद पे? शिक्षा में। आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं? 148। और यहाँ आप लोगों कितने लोगों का स्टाफ है? 2 लोगों का है, जिसमें मैं अकेले देखती हूँ, एक केवल नाम के लिए है, वो दूसरे विद्यालय पर अटैच हुए हैं, वो नहीं आते हैं, जिससे हमको बहुत परेशानी होती है। 148 बच्चों का डीलिंग करना, देखना और हर कागजात को पूरी करना। आपने इस समस्या को हल करने के लिए अब तक कोई प्रयास किया? जी, हमने गांव वालों को बैठक बुलाई, जिसमें सूचना दी है कि आप लोग इस समस्या को देखिए कि एक शिक्षा मित्र क्या 148 बच्चों को देख सकती है, क्योंकि गांव वालों ने इस पर कोई विचार नहीं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हाँ, जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी हो, मानक के अनुसार शिक्षक रखे जाएँ, 35 बच्चों पर एक टीचर है तो कम से कम यहाँ पर 3 टीचर होने अनिवार्य हैं कम से कम। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे गांव के अधिकतर आदिवासी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं और बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है तथा अध्यापक नाम मात्र के हैं। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप हमारी मदद करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र के मोबाइल नंबर 9453004197 पर फ़ोन करके दबाव बनाएँ, ताकि इस समस्या का समाधान हो सके और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मैं मोहम्मद जावेद, सुंदरी दुद्धी, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।